हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो है अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या टर्म्स होते हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप फेक अपॉइंटमेंट लेटर से बच सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली स्लाइड है मेरी वो अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में ही बताती है। जो सबसे पहला है, अपॉइंटमेंट लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ऑफ कंफर्मेशन रिगार्डिंग योर जॉब विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये कंफर्म करता है कि आपकी जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग गई है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस जो जॉब के हैं। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली मेंशन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द कंपनी। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी कैंडिडेट के लिए भी होता है और कंपनी के लिए भी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि विदाउट एन अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास कोई एक सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम क्या रहता है कि कंपनी के पास भी एक सब्सटेंशियल एविडेंस होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय उनके साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है दोनों के लिए, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड इट्स अ लीगल बाइंडिंग फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी, इट्स अ लीगल बाइंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि ये एक फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैंडिडेट को दिया जाता है विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल। जो भी इसमें डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मेंशन की जानी चाहिए, वो सारी डिटेल्स के साथ अपॉइंटमेंट लेटर को एक कैंडिडेट को दिया जाता है जब वो सिलेक्शन करवा लेता है अपना इंटरव्यू में। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी लेटर ऑफ इंटेंट, ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में कंफ्यूज ना हो, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में और ऑफर लेटर के बारे में मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके देखें, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑफर लेटर क्या होता है और लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि कई कंपनियाँ लेटर ऑफ इंटेंट भी देती हैं, कई कंपनियाँ ऑफर लेटर भी देती हैं। ठीक है, तो लेकिन तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको तब मिलता है जब आप कंपनी ज्वाइन कर जाते हो। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट और ऑफर लेटर आपको पहले ही मिल जाता है जब आपका चयन होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर आपको तुरंत नहीं मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको तभी मिलता है जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, और कई कंपनियां जो है हफ्ते बाद देती हैं, कई कंपनियां उसी दिन दे देती हैं, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि किस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। में हम लोग बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्या क्या चीजें कंटेन करता है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें होगी। ठीक है, कि कौन सी तारीख से आप कंपनी में कार्यरत होंगे, कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। दूसरा जो होता है वो है जॉब लोकेशन, कि आपकी जॉब की लोकेशन क्या होगी, कौन से लोकेशन पे आप काम करेंगे। तीसरा होता है आपका डेजिग्नेशन, कि किस डेजिग्नेशन पे आप काम करेंगे। ठीक है, जो चौथा होता है वो होता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कि किसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, या क्या आप सीधे मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है जो भी, जो कि मेंशन की जाती है। फिर जो अगली चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कंपनसेशन, या फिर हम बोले सैलरी, तो ये भी मेंशन होता है कि आपका सीटीसी जिसको बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, आप जॉब के लिए जब जाते हैं तो सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी दोस्तों। तो इसमें क्या रहता है, आपको पूरा का पूरा सीटीसी आपको साल में कितना मिलने वाला है या कितना मिलेगा, वो पूरा कंपनसेशन जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर में पूरी तरह से मेंशन होता है। फिर अगली चीज आती है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में वो चीजें मेंशन होती हैं जो कंपनियां बेसिकली आपको देती हैं। ठीक है, कि आप बेसिकली कई कंपनियां जो हैं गेम्स करवाती हैं, कई कंपनियां आउटडोर एक्टिविटीज भी करवाती हैं, कई कंपनियों में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बाहर जाना, आउटिंग होना, पिकनिक। ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिट्स में और आता है आपका मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर पीएफ जो है वो भी एक तरह का बेनिफिट होता है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है 21,000 से कम है तो देन एम्प्लॉय जो है वो ईएसआईसी बेनिफिट के लिए भी जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी जो हैं उसमें मेंशन किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो होता है वर्किंग आवर्स। तो आप जब अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है तो उसमें आपका वर्किंग आवर्स भी डिफाइन होता है कि आप कितने घंटे काम करेंगे। तो मोस्टली कंपनी में 9 घंटा होता है, मतलब 1 घंटा का ब्रेक होगा तो उसको मिला के टोटल 9 घंटा होता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो वो चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड होगी कि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी प्लस 1 घंटे का जो है आपका ब्रेक मिलेगा। और वो ब्रेक आपको डिफाइन होगा कि आधे घंटे का होगा या 15 15 मिनट का टी ब्रेक, फिर उसके बाद आधे घंटे का लंच ब्रेक, ऐसा करके डिफाइन होता है, या फिर एट अ शॉट होता है, ठीक है। तो वो टोटली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉपर मेंशन होगी कि 9 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में जब से आईटी कंपनीज का कल्चर आया है तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि वो 5 दिन हफ्ते में काम करती हैं, ठीक है। तो 5 दिन हफ्ते में काम करने के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। तो वो भी मेंशन किया जाता है, और कई कंपनियां जो हैं वो अभी भी जो है सैटरडे तक काम करती हैं, तो 6 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। तो इस केस में वो लोग वो मेंशन करेंगे कि भाई 6 डेज काम करना है, संडे ऑफ होता है। तो ये प्रॉपर चीजें मेंशन होती है। देन उसके बाद कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस मैं बताऊं तो ऐसा होता है कि भाई कुछ चीजों को जो है आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, जो भी कंपनी की पॉलिसीज हैं वो आपको बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो आपको फुलफिल करनी होती हैं जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होती हैं, जो कि आपको ऑफर लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट में नहीं मिलती, ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब यहां पे मैंने बताने की कोशिश की है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको कैसे मिलता है, ठीक है, क्या क्या चीजें अपॉइंटमेंट लेटर में होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलता है वो हमेशा से आपको जब आप ज्वाइन करते हो तब मिलता है, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, पहले ऑफर लेटर दिया जाता है फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो जब भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कई कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर आपको पहले ही दिन दे देती हैं, कई 1 हफ्ते बाद देती हैं, कई 15 दिन बाद देती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर कन्फर्म है कि जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तभी आपको मिलता है। फिर दूसरा होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है हमेशा कंपनी के लेटर हेड पे दिया जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको हमेशा कंपनी के लेटर हेड पे ही मिले, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अपॉइंटमेंट लेटर शुड ऑलवेज कंटेन सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का मतलब मेरा एचआर से भी है, अगर एचआर है उस कंपनी में तो एचआर हेड एचआर जो हो गया या एचआर मैनेजर, तो ये ऑथराइज पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इनका सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर उस कंपनी में एचआर नहीं है या स्टार्टअप कंपनी है तो इस केस में क्या होगा, आप सीधे डायरेक्टर ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा। तो इस केस में ये रहेगा कि ऑथराइज सिग्नेटरी फिर आता है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी में डायरेक्टर हो गया तो उसके सिग्नेचर होने मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो विदाउट सिग्नेचर अपॉइंटमेंट लेटर आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद होता है दोस्तों कि सम केसेस में जैसे स्टार्टअप कंपनीज हो गई तो वो अपने स्टैम्प भी मार के देती हैं, कई जो मिड लेवल की कंपनीज भी जो हैं स्टैम्प मार के देती हैं, तो ये भी आप एक बार चेक कर लें। अगर स्टैम्प नहीं है तो इतना मैंडेटरी नहीं है, बट यस देती हैं, तो इसलिए मैंने मैंशन किया हुआ। लेकिन हाँ, सिग्नेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अगर स्टैम्प है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दैट ऑल्सो नॉट नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, ठीक है। फिर आखिरी में जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चों को पता नहीं होता, कई लोगों को, कई मेरे दोस्तों को पता नहीं होता कि क्या मतलब अपॉइंटमेंट लेटर किस में मिलता है। तो जैसे क्या होता है कि कई कंपनियां जो हैं जो नई स्टार्ट हो रही हैं या जानते हुए भी वो लोग जो है A4 साइज पेपर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको A4 साइज पेपर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर अगर दिया जाता है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी हैं, अगर आपको A4 साइज में दिया जाता है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि A4 साइज में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है।
तो कोशिश यही करें कि जब भी आपको अगर A4 साइज में किसी कंपनी में अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो तुरंत अपने HR से बात करें, उस कंपनी के जो HR है या भी जो भी बंदा या जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पे रिक्रूटमेंट संभाल रहा है, उनसे जाके बात करें और उनसे बोलें कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको लेटर हेड पे चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता नहीं होता है ये, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप फ्रॉड से बच पाएँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि नौकरी के नाम पे जो है आपको ज्वाइन करवा लेंगी, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, देन आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, और बस तो इतना ही था आज का सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा सेशन पसंद आया हो, और इस सेशन में मैंने अपॉइंटमेंट लेटर के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताने की कोशिश की हैं, और आप लोगों को अवगत कराया है कि चीज़ें कैसी होती हैं और किस हिसाब से देखी जानी चाहिए। ठीक है, तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है मेरी गलतियाँ भी लिखना ना भूलें, अगर मुझसे कोई गलती होती है या अगर आप कोई सुझाव डालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, और मैं उन चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपना जो अगला वीडियो है उस पर और अच्छे से वर्क ऑन करके आऊँ और अच्छे से आप लोगों को अगले टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।